सब लोग जीतू भैया बुलाते हैं, रियल नाम भी जीतू है तो उसमें भैया लोगों ने ऐड, ये अच्छी बात है। मतलब क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ वो लोगों तक पहुंच रहा है और वो कैरेक्टर अगर याद रह रहा है सो इट्स रियली नाइस कि वो उस नाम से याद करके मुझे बुला रहे हैं। बट हाँ मतलब कई बार जो सुंदर लड़कियां हैं वो भैया बुलाती है तो अच्छा नहीं लगता। For all film related interviews, reviews and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. Lovely to see you, Jitu Bhaiya and Chandan ji. आप सब जीतू भैया बोलते हैं, बिकॉज आज मैं किसी से बात कर रही थी तो पहली चीज, अच्छा जीतू भैया ये कैसे पड़ा वैसे आपके नाम के साथ जीतू भैया? I think it's after Kota Factory, जिसमें जो character है जीतू भैया वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया तो हाँ सब लोग जीतू भैया बुलाते हैं, रियल नाम भी जीतू है तो उसमें भैया लोगों ने ऐड कर दिया, वो मिल गया हमको कैरेक्टर से ये हमेशा के लिए भैया है। नहीं, कोटा फैक्ट्री का तो मुझे पता था, मगर वो कभी कभी होता है ना, एक किरदार एक नाम जुड़ जाता है आपके साथ और आप कुछ भी कर ले मगर वो नाम नहीं हटता, तो लगता है आपके साथ यही हो रहा है, आप जो भी करो वो नाम नहीं हटेगा। हाँ पर ये अच्छी बात है, मतलब क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ वो लोगों तक पहुंच रहा है और वो कैरेक्टर अगर याद रह रहा है सो इट्स रियली नाइस कि वो उस नाम से याद करके मुझे बुला रहे हैं। बट हाँ मतलब कई बार जो सुंदर लड़कियां हैं वो भैया बुलाती है तो अच्छा नहीं लगता। वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लग रही है मुझे, पर लग रहा है पंचायत सीजन 2 में शायद उसका हमें उपाय मिलता है। बट उससे पहले मैं इनका एक और किरदार आपको बताऊं, इनका नाम है फर्जी गुलजार, इनके ट्विटर हैंडल पे, मुझे जरा फर्जी गुलजार के बारे में बताओ। बेसिकली हम सब लोग, मतलब मेरे दोस्त लोग सब लोग ट्विटर पे अकाउंट बना रहे थे और सब अपना अपना नाम बना रहे थे, तो उनको उनको पता था कि पोएम्स लिखता हूँ, सो दे लाइक यार तेरी पोएम्स तू ट्राई, बहुत प्रेटेंशियस गुलजार है तो तू ये रख सकता है फर्जी गुलजार, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये नाम, बड़ा अच्छा फर्जी गुलजार कि मैं कुछ गंदी पोएम्स भी, जो अपनी गंदी पोएम्स है वो भी डालता रहूंगा और ये नाम इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, तो वहां से आया है ये फर्जी गुलजार। तो सबसे आई मीन दिस इज द नेम आई रियली लाइक, बट अब पंचायत का सीजन 2 आ रहा है, आई नो 2 साल हो गए, एंड 2020 में यू डू रिमेम्बर आज तक वो पुराना इंटरव्यू लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं बार बार, शो का रिकॉल वैल्यू है, आपके इंटरव्यूज का रिकॉल वैल्यू है, ये मैंने कभी देखा नहीं है वैसे, अक्सर ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, एक मैंने बच्चन जी के साथ देखा और शाहरुख खान के साथ देखा है, जिनके इंटरव्यू आप बार बार देखते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, तो आपके शो के साथ ये हुआ, तो आप दोनों बताओ, अब सीजन 2 आ रहा है, बिगर एंड बेटर, उतावले हो, नर्वस हो, एक्साइटेड हो, क्या फील कर रहे हो? आई थिंक जो ट्रेलर आया और ट्रेलर पे जो लोगों का एक्साइटमेंट है, आई थिंक उसने काफी हम लोगों को एक्साइटेड कर दिया है, मतलब हम लोग क्योंकि शूट हो गया, टाइम हो गया, मतलब 6-7 महीने हो गए हम लोगों ने शूट खत्म किए हुए, तो वो हम लोग और भी नई चीजों में बिजी हो गए, बट जैसे ही ट्रेलर आया और उसपे लोग, मतलब 2 साल बाद आ रहा है फिर भी इतना एक्साइटमेंट में है और वो बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं हुआ, जो एक्साइटमेंट जब जैसे ही सीजन लोगों ने खत्म कर लिया था और वो था कि सीजन 2 कब आ रहा है, वो लोगों ने 2 साल वेट किया एंड स्टिल इट्स लाइक उतना ही बैंग ऑन कि सीजन 2 आ रहा है फाइनली एंड वी आर रियली एक्साइटेड, तो उनके एक्साइटमेंट ने हमको काफी एक्साइटेड कर दिया एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि 20 को आ रहा है शो एंड देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। And Chandan, you do realize ना, इस शो के बाद तो आप भी लाइक इतने पॉपुलर हो गए, तो आप क्या कैसे फील कर रहे हैं? Because it's like your breakout show. हाँ ये मतलब डर तो नहीं है, बस एक्साइटेड हूँ और ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत प्यार देने वाले हैं इसको, डर इस बात का है कि मतलब थोड़ा सा ये लग रहा है कि यार जो आप लोगों ने प्यार दिया है और जिस तरह से उम्मीदें आपने बना के रखी है पंचायत को लेकर के, क्या मैं उस उम्मीद पे खरा उतरूंगा, तो ये छोटा सा एक लग रहा है कि उसी मतलब जैसा लॉन्च हुआ था पंचायत 1 उसी तरह से पंचायत 2 भी हो जाए, और तो बस एक हल्का सा ये है मेरे दिल में एक कि उसी तरह से कुछ रहे, बट हम कॉन्फिडेंट तो हैं कंटेंट को लेकर के और ओवरऑल पूरे पंचायत 2 को लेकर के कि ये धमाल करेगी, और चूंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है रिस्पॉन्स। एक बात बताओ, आप दोनों अगर किसी चीज पर पंचायत बुलाना चाहो तो वो क्या चीज होगी? कब पार्टी की जाए, कब चारों लोग इकट्ठा हो और वो बियर और मसाला पापड़ खाया जाए, तो इसी चीज पे होगी कि आज कौन सा क्या किस तरीके से पार्टी की जाए वही बात है। इस पर पंचायत बुलाओगे आप? अब तो हो गई पार्टी शुरू सबकी मुखौटे सबके निकल उतर गए हैं, अब मास्क में तो पता नहीं चल रहा था कौन क्या है। करेक्ट,
करेक्ट नहीं हम लोग की गांव में जो जो चीजें नहीं होती है मतलब उन चीजों पे होता है, क्योंकि तो गांव में आज ये बियर पी जाए, मतलब गांव में कुछ ही चीजें अवेलेबल होती है ना, तो बियर का कौन सा ब्रांड आज पिया जाए, तो इसी चीज पे डिस्कशन हो सकता है। वाओ यार, आई थिंक गांव की लाइफ इज रियली रियली, आप बता चंदन जी आप किस पर पंचायत बुलाओगे, इन्होंने तो बुला दी पापड़ और बियर पे। हाँ जी, तो मैं बुलाना चाहूंगा पंचायत की, गांव में क्या होता है ना कि यार गर्मी बहुत है, तो पूरे पूरे दिन गर्मी में ये लोग पंचायत करते रहते हैं। नहीं नहीं अभी की गर्मी क्या है, हमारे दादा कह रहे थे कि भाई उस समय 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, ऐसा गर्मी था, और फिर गर्मी पे चल रही है, दोपहर में शाम हो गया, तो मैं गर्मी पे, गर्मी अभी नॉर्थ में बहुत जबरदस्त पड़ी हुई है, मैं हूं ना 49 डिग्रीज में बैठी हुई। मैं गर्मी पे भाई अपने गांव में होता तो मैं गर्मी पे पंचायत कर रहा होता अभी, क्योंकि यही सब टॉपिक है, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है यार, नए बच्चे बहक रहे हैं, इस तरह की पंचायत होती है गांव में, ये नए बच्चे बहकने का तो बड़ी पंचायत है, मगर आज तो आपने देखा है ना गांव में भी जैसे आपस में शुरू होता है, सब मोबाइल पे है, रिकॉर्ड हो रहा है, ये एक बहुत दुविधा है। आप बताओ जीतू भैया, आपके लिए ये मोबाइल दुविधा है क्या नहीं है? मेरे को तो सब कुछ फोन से नहीं दिया है। मेरा तो करियर फोन से कि लोगों के पास कंटेंट अवेलेबल है, लोग फोन पे देख पा रहे हैं, तो मेरे लिए तो इट्स हाँ, लेकिन लेकिन हाँ आई नो कि जब लोग सब लोग मिलते हैं तो भी थोड़ी देर बातचीत करेंगे एंड सडनली सब फोन पे चले जाते हैं, तो वो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है कि अरे बात करते ना साथ में साथ, मतलब हम लोग मिले हैं, गेट टुगेदर हो रहा है एंड नाउ एवरीबॉडी इज ऑन फोन, बट आई थिंक इट्स बहुत अंदर तक घुस गया है फोन एंड इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और हमें मुझे लगता है कि फोन के साथ ही एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। तो वो उसके लिए मैं काफी कंफर्टेबल हो गया। पर कमाल की बात है, जैसे एक इंजीनियर ने इतना बड़ा लीप लिया, वो भी ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर आजकल का किसी को पता नहीं, बट डू यू थिंक दैट रिस्क हैज पेड ऑफ? डेफिनेटली, मतलब थैंकफुली मतलब ऐसे लोग मिले मुझे थ्रू आउट माई जर्नी जिन्होंने इस जो इस कंटेंट से जुड़े हुए थे, और उन्होंने इतने इतनी अच्छी स्टोरीज में मुझे मुझे पार्ट बनाया और इतने अच्छे कैरेक्टर्स मुझे दिए करने के लिए, आई रियली थैंकफुल टू दैट। और हाँ मतलब अमेजिंग जर्नी, मतलब कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्टर एक्टर एक्टिंग सीखी जा सकती है और एक्टिंग सीखनी है, ये एम था, बट वो एक्टिंग इतने लोगों तक पहुंच जाएगी बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल एज, बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूब OTT, ये इतने लोगों तक पहुंचेगा ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड इट हैपेंड, आई एम रियली ग्रेटफुल। एंड यू आर द फेस ऑफ द डिजिटल, जैसे रेवोल्यूशन कहते हैं ना जो आई थी पहले बिफोर OTTs आ गए, और ये जो 2020 में मैं आपने देखा, you started off with basically YouTube, I mean you know all of you, but that I mean you were one of the first people, but अभी जैसे आप फिल्म में कर रहे हैं, आप ये OTT कर रहे हैं, आपको कभी-कभी लगता है आप लोग stereotype हो जाते हैं and you have to break free and do something so risky कि किसी ने देखा ना हो कि लगे कि हाँ यार ये भी कर सकता है, नहीं तो सब you know आप जैसे district magistrate, आपको जैसे लाइक द प्रोफेसर इन कोटा फैक्ट्री, ऐसे आपके साथ वो मैं कह रही छवि जुड़ रही है। हाँ मतलब वो हो रहा है, एंड पर्सनली मुझे लगता है कि ये सारे कैरेक्टर्स से मतलब इंजीनियर होते हुए अलग है, और मतलब पहले बहुत मैं तड़प जाता था कि अरे बहुत सेम चीजें मुझे मिल रही हैं या सेम तरह की इमेज बन रही है, बट आई एम रियली कॉन्फिडेंट कि विथ टाइम ये जब बहुत जल्दी ब्रेक होगा विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड आई एम गेटिंग रियली गुड स्टोरीज एंड different kind of stories, and ये वाली चीज बहुत जल्दी break होने वाली है, and और अगर नहीं भी होती है तो मैं मतलब मैं बहुत comfortable हूँ अगर कहानी अलग है, अगर कहानी अलग है और उसमें similar character करने को मिल रहा है तो बहुत difficult हो जाता है अच्छी stories छोड़ना just because की थोड़ी similarities है, and तो उसमें तुम ये देख सकते हो कि जो director writer है उनका कितना intent है कि थोड़ा बहुत change करने के लिए वो कितने intentful है, अगर वो है और story अलग है तो I really मतलब मैं वो अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं। एंड यू नो व्हाट, वैसे चंदन जी आपको आने से पहले मैं वो भी कहना चाहती हूँ, जैसे आपका सिमिलर कैरेक्टर भी हो ना उसको डिफरेंट करना इज मोर चैलेंजिंग देन प्लेइंग हिम, दैट इज बिग, वेरी दैट इज अ टफ वन, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। हां जी चंदन जी आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि इंसान तो एक ही है ना, अगर मान लो मुझे विकास अगर कहीं और करना हो तो मैं और क्या करूंगा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होगा, लेकिन अभी ये अपनी इंडस्ट्री ने थोड़ा मेरा रास्ता आसान कर दिया है, विकास जैसे बहुत कम कैरेक्टर मुझे दिए हैं
इन लोगों ने यकीन किया कि इस बंदे ये बंदा कुछ और भी कर सकता है। तो अभी जो मैं किया जो कर रहा हूँ ये विकास जैसा एक दो प्रोजेक्ट है, बाकी सब में मैं अलग अलग हूँ। हाँ, और मैं थोड़ा सा डर जी बचता भी हूँ कि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, विकास जैसा बार बार रिपीट ना हो, तो अलग अलग कर लो, अपने कई सारे रूप दिखा लो। नहीं नहीं वो तो है, एज एन एक्टर आप बहुत सारे रूप से दिखाते हो, बिकॉज आई मीन इनका जैसे कोटा पैटर्न की तरह वो जीतू भैया जुड़ गया है, बट अभिषेक इज वेरी डिफरेंट यू नो, मगर वो आप ना जीतू भैया बन गए हैं रूरल इंडिया के चैंपियन, वो ही कह रहे हैं ना, बट इन अ वे दैट इज अ गुड वे, बिकॉज सारी तो हमारे व्यूअर्स वो सब वहां पर है, वहां से ही विकास होगा। बट एक बात बताओ, फिल्म इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में आप है उसकी कौन सी चीज पर आप पंचायत बुलाना चाहोगे? गांव की तो बात कर ली हम लोग ने, फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी कौन सी चीज है कि यार मैं पंचायत बुलाऊं उस पर कि ऐसे क्यों? अब इंजीनियर साहब ये मैथ के समझे तो बहुत आसान है। जी 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 मुझे मतलब शुरू से मुझे ऐसा लगता है कि अगर पंचायत बुलाना हो इंडस्ट्री में तो मैं एक चीज बुलाऊंगा, वो कई बार मैंने देखा है कि जो खाने का सिस्टम है ना सेट पे, जैसे मैं ना शुरू में एक ऐसा शो किया था जिसमें मैं क्राउड में गया था जी, तो क्राउड मैं शुरू में जब मुंबई आया था तो मेरे लिए ना ये बड़ा पाव देखे कि उधर साइड में जंगल की तरफ बैठा दिया था, 100 लोग थे और कोई बैठा मतलब कोई खड़ा खड़ा खा रहा है, किसी के पास ईट मिली ईट पे बैठ गया फिल्म सिटी में, तो मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार ये ए ग्रेड के आर्टिस्ट हैं, ये बी ग्रेड ये सी ग्रेड, तो इनके इधर बैठेंगे खाने के लिए, ये इधर बैठेंगे ये इधर बैठेंगे, ये टेक्नीशियन है तो इनका इधर, और ये स्पॉट में है तो इनको रसगुल्ला दो ही नहीं, इनको सिर्फ चावल दाल पे काम नहीं, यार सब लोग मेहनत कर रहे हैं तो सबका ना खाना एक जैसा होना चाहिए। आई एग्री विद दैट, मैं बिल्कुल बिल्कुल हां इस बात पे डेफिनेटली पंचायत बैठ सकती है। आप कौन सी बात को बताओ सर, आप कौन सी बात को पंचायत बैठाओगे इंडस्ट्री में? इन्होंने तो खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पेट खाली तो कैसे होगा आर्टिस्ट का काम? मुझे लगता है कि हाँ बहुत सारी स्टोरीज हैं, और मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री में ट्रेंड होता है कि अगर ये एक चीज चल गई तो उस पे बहुत वो लोग वापस वैसी और 10 फिल्में हमको देखने को मिल जाती है उस चीज पे, तो मुझे लगता है कि हाँ मतलब अगर कोई चीज चल जाती है तो 2-3 फिल्में ठीक है, 10 फिल्में मत बनाओ उस पे, और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं और बहुत सारे किस्से हैं, हमें वो एक्सप्लोर करने चाहिए थोड़ा कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के, तो उस चीज पे मुझे लगता है कि हाँ पंचायत बिठानी चाहिए। I totally agree with that. That's why मैं खुश हूँ पंचायत 2 आ रही है। तो आप दोनों मुझे ये बताओ ऐसी क्या चीज है पंचायत 2 में जो हमको पंचायत 1 में नहीं मिली? आई नो जीतू जी का तो एक रोमांटिक ट्रैक भी चालू हो जाएगा उसमें, बेचारे फिर भी दुविधा में है बहुत सारी, मगर ऐसा क्या है इसमें that both of you were excited and what excited you both? I think बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं और उनके अराउंड भी बहुत सारी चीजें घूमने वाली है, और वो काफी अच्छा मोमेंट आने वाला है उन कैरेक्टर्स के साथ, तो वो जो नई चीज देखने को मिलेगी वो काफी एक्साइटिंग होने वाली है सीजन 2 में लोगों के लिए। और आपकी कोई परेशानी दुविधा कुछ कम हुई है उसमें क्या? नहीं और बढ़ रही है दुविधा तो कम नहीं होगी, तो अभिषेक की दुविधा कम नहीं होगी वरना शो नहीं बनेगा, क्योंकि अभिषेक की दुविधाएं कम हो जाएगी तो वो लोग कैसे हेल्प करेंगे और कैसे और सिचुएशन क्रिएट करेंगे अभिषेक के लिए, बाकी पब्लिक क्यों? आई थिंक दुविधाएं कम नहीं हुई है अभिषेक की, वो बढ़ती जा रही है और उसी में मजा है। चंदन जी को बहुत हंसी आ रही है, आप मतलब आपकी दुविधाओं में आई थिंक इनका भी कहीं हाथ है मुझे लग रहा है। नहीं 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 मेरा इंटेंशन कभी नहीं था कि इनको तकलीफ पहुंचाए, लेकिन मैं चाहता हूँ इनका भलाई करना, लेकिन हो जाता है कुछ उल्टा ही हो जाता है इनके साथ, तो मैं कभी नहीं चाहता कि आरव की मम्मी इन पे भर के, बट मेरी वजह से भरक गए। अब वो देखने को इंतजार है, और सुना है मैंने पंचायत 3 भी आने वाली है बहुत जल्द। हाँ जीतू सर ने मुझे कहा था। हाँ जीतू जी बताओ यार पंचायत 3 आने वाली है। पंचायत 3 कलेक्टर साहब? हाँ अच्छा ऐसा सुनने में आ गया। मुझे तो सुनने में आ रहा है 5 सीजन आ रहे हैं, तो लेट्स सी कि क्या है राइटर्स और क्रिएटर्स के बाद में, बहुत जल्दी मुझे पता लगेगा तो मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू सो मच आप बोथ ऑफ यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, ऑल द वेरी बेस्ट। अब नेक्स्ट मुलाकात इन पर्सन होनी चाहिए हमारी, और हम सब बैठ के रसगुल्ले खाएंगे। बिल्कुल पूजा बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। इफ यू लाइक दिस इंटरव्यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम।